हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास 10th हिंदी कृतिका बुक से चैप्टर 1 माता का अंचल पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, यहाँ पे विपदा का मतलब है मुसीबत। मुसीबत आने पर बच्चा जो है ना, वो अपने पिता के पास नहीं जाता है, बल्कि वो अपने मम्मी के पास जाता है। तो देखिए, इसको समझिए, जैसे ही बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते रहता है तो जो सांप है ना, वो बिल से निकलता है, जिसके कारण सभी उसके दोस्त लोग भागते हैं और ये भी भागते भागते अपनी मम्मी के पास जाता है। जबकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अपने पापा के साथ में ज़्यादा रहता है, तो ये जो बच्चा है ना, उसको वो अपने पापा के साथ में जाना था, लेकिन वो जाता किसके पास है? मम्मी के पास है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके उत्तर में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है ना, ये मैंने क्वेश्चन से लिया हुआ है। बच्चे का लगाव पिता से ज़्यादा था, लेकिन ये संबंध दोस्त जैसा था। तो देखिए, पिता के साथ में जो बच्चे का संबंध था ना, वो दोस्ताना था, जैसे कि हमारा संबंध अपने दोस्तों के साथ में होता है। लेकिन मुसीबत आने पे हम दोस्तों को याद नहीं करते, हम लोग माँ माँ चिल्लाते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। इसी में आगे लिखेंगे, बच्चे को मुसीबत आने पर माँ की गोद की याद आ ही जाती है, क्योंकि वहाँ उसे विश्वास और सुरक्षा मिलता है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने विश्वास और सुरक्षा लिखा है ना, यहाँ पे आप शांति और प्रेम भी लिख सकते हैं। मतलब ये बच्चा जो है, माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पिता का प्रेम माँ की ममता का स्थान नहीं ले सकता है। जो पिता का प्रेम है ना, वो दोस्तों के प्रेम जैसा है, वो कभी भी माँ की ममता का स्थान नहीं ले सकता है। अब इसमें प्रश्न दूसरा है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखिए, यहाँ पे जो भोलानाथ है ना, वो सिसक रहा है, तो बच्चों का मन जो है ना, वो चंचल होता है, जिसको देखते हैं ना, उसी में उनका मन रम जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्तों को खेलते हुए देखता है, तो ये जो है ना, सिसकना भूल जाता है। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उतारा है, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है। चंचल का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे ही भोलानाथ बच्चों को खेलते देखता है, तो उसका मन भी सिसकना भूल कर खेलने में लग जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। देखिए, तुकबंदी का मतलब होता है राइमिंग। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए, आपको अपने हिसाब से तुकबंदियां लिखना है। जो मेरी तुकबंदियां हैं, मैंने लिखा है, मेरे बचपन की जो तुकबंदियां मुझे याद हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, अटकन बटकन दही चटाके। दूसरा है, हरक बरक दूध की धार। और तीसरा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। अब अगला प्रश्न देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, भोलानाथ जो है ना, वो गांव में रहता था, और गांव के जो बच्चे थे ना, वो गांव में जो भी सामान मिलता है, जैसे कि पानी हुआ, मिट्टी का सामान हुआ, या आसपास के जो लकड़ी हुए, कंकड़ पत्थर हुए, इनसे वो लोग खेला करते थे। लेकिन आजकल जो शहर के बच्चे हैं, वो लोग कंप्यूटर, मोबाइल और क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेल खेलते हैं। आजकल के जो शहर के बच्चों के खेल हैं, ये हमारे जो समय के खेल हैं, उनमें जटिलता ज़्यादा आ चुका है और पैसे का बोलबाला है। जो गरीब बच्चा है, इन खेलों को नहीं खेल सकता है। इन्हीं को इसके उत्तर में हमको अपने शब्दों में लिखना है, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए अपने आसपास की चीज़ों जैसे पत्थर, गीली मिट्टी और घर के सामान का प्रयोग करते थे। आजकल हमारे खेल में क्रिकेट, मोबाइल और वीडियो गेम आदि हैं, जो कि महंगे होने के साथ जटिल भी हैं, जबकि भोलानाथ के समय के खेल मुफ्त और सरल थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं और प्रसंग हैं जो कि दिल को छूने वाले हैं। मैंने 5 लिख दिया है, आप जैसा प्रश्न आएगा उसके अनुसार इसके उत्तर को लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि पाठ में आए ऐसे प्रसंग निम्नलिखित हैं। पहला है, भोलानाथ का बबूत लगाकर बम भोला बन जाना।
देखिए भभूत का मतलब होता है राख लगाकर, दूसरा है भोलानाथ का अपने पिता से कुश्ती लड़ना, तीसरा है माँ का भोलानाथ को लोरी गाकर खिलाना, चौथा है बच्चों का आपस में खेल खेलना, और पांचवा है एक सांप का बच्चों के पीछे पड़ जाना। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो देखिए उस समय का जो गांव था ना, उसमें जो मशीन है और विज्ञान है उनका प्रयोग नहीं होता था। लोग आपस में सहयोग करके जानवरों के द्वारा ही खेती बाड़ी किया करते थे, जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। वहीं आज गांव में मशीनों का और विज्ञान का बोलबाला है, लोग आजकल कंप्यूटर मोबाइल का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और काफी सक्षमता के साथ में और बाजार के साथ में ये लोग आज खेती किसानी करते हैं, और ग्रामीण संस्कृति जो है ना इन्हीं चीजों से भरी पड़ी है, इन्हीं को इसके उत्तर में हमको लिखना है। 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में बाजारवाद हावी नहीं था, लोग प्राकृतिक तरीके और आपसी सहयोग से खेती बाड़ी, इलाज और बाकी कामकाज किया करते थे। वहीं आज की ग्रामीण संस्कृति में मशीनों और विज्ञान का बहुत उपयोग होता है, लोग हर छोटी बड़ी चीज के लिए बाजार पर निर्भर हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो बाजार का प्रयोग किया है ना, इसका मतलब है कि आज कोई भी चीज का जरूरत पड़ता है तो हम बाजार से उसको खरीद लेते हैं, और कोई भी चीज हमारे पास है तो उसको हम बाजार में बेच देते हैं, लेकिन 30 के दशक के समय में इस प्रकार का बाजारवाद नहीं था। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। देखिए इसका उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। बचपन में एक बार एक कान ने मुझे टक्कर मार दिया था, मुझे काफी चोट आया था, खून भी निकल रहा था, मैं जोर से रोने लगा तो पास के लोगों ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मेरी माँ ने जब मेरा यह हाल देखा तो वो भी खूब रोने लगी, तभी मेरे पापा आए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि चोट गहरा नहीं है, फिर कुछ दिनों के इलाज से मैं ठीक हो पाया, तभी मेरे मम्मी पापा को चैन आया। तो इसी प्रकार से आपको जमा के अपने अनुभव को यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए वात्सल्य का मतलब होता है छोटे बच्चों से किया जाने वाला प्यार। यहाँ पे भोलानाथ के जो पापा थे वे सुबह उसको नाला धोला कर पूजा पे बिठाते थे, फिर अपने कंधे में बिठाकर गंगा ले जाया करते थे, और उसके गालों पे प्यार भरी पप्पी देकर अपना प्यार जो है ना वो जताते थे। वहीं उसकी जो मम्मी है उसको वो गाना गाकर लोरी गाकर खिलाती थी और उसको काफी श्रृंगार करती थी, सजाती थी, जिसके कारण जो हमारा भोलानाथ है वो नाराज भी हो जाता था। इन्हीं को इसके उत्तर में हमको लिखना है। इसमें लिखेंगे, पिता का अपने बच्चे को नाला धुलाकर पूजा में बैठाना, कंधे पर बैठाकर गंगा ले जाना, उससे कुश्ती लड़ना और उसके गालों को चूमना अत्यंत जीवंत लगता है। इसी प्रकार माँ द्वारा गोरस भात गाना गाकर खिलाना, बच्चे का श्रृंगार करना और इससे बच्चे का सिसकना आदि दृश्य मन को छूने वाले हैं। देखिए गोरस भात का मतलब होता है दूध और भात। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। देखिए उपयुक्तता का मतलब होता है सुटेबिलिटी। यहाँ पे माता का अंचल जो पाठ है ना उसका यह शीर्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ही पूरे के पूरे कहानी का सार है। तो इसको उत्तर में लिखेंगे कि पिता से गहरा लगाव होने के बावजूद मुसीबत आने पर बच्चे का माने भोलानाथ का माँ के अंचल में जाके छिप जाना यह बताता है कि यह शीर्षक उपयुक्त है। माता का अंचल शीर्षक में इस पाठ का सार है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने मम्मी पापा के प्रति अपना जो प्यार है उसको कैसे जताते हैं। तो बच्चे जो है ना वो हंस कर, जीत करके, रो कर, उनके गाल में प्यारी प्यारी पप्पी दे करके और मीठी मीठी बातें करके अपना प्रेम जो है ना वो जताते हैं। इन्हीं को अपने शब्दों में हमको इसके उत्तर में लिखना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को मधुर मुस्कान दिखाकर, खेल कर, जीत करके, चूम कर और उनकी गोद या कंधे में बैठकर अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया
रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो देखिए, इस पाठ में जो बच्चों के बचपन के बारे में बताया गया है उसमें बच्चे आपस में खेलते हैं, वे खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन, खेत, पत्थर आदि चीजों का उपयोग करते हैं। वहीं आज जो हमारा बचपन है उसमें हम लोग खेलने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम का उपयोग करते हैं और आज जगह जगह क्रिकेट की एकेडमी बने हुए हैं, लोग बैडमिंटन, स्विमिंग पूल आदि खेलों का खेल करते हैं। साथ ही में आज के बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो दबाव है ना, वो पहले के बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इन्हीं सबको इसके उत्तर में हमको लिखना है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से अलग है। पहले के जमाने में बच्चों के पास खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन, खेत, पत्थर, पानी और पेड़ जैसे प्राकृतिक साधन थे। वहीं आज के बच्चों के पास खेलने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि हैं। पहले के बच्चे पूरे मोहल्ले और गांव के बच्चों के साथ खेलते थे, वहीं आज के बच्चे अपने घरों में ही खेलते हैं। पहले के बचपन में आज के बचपन की तरह पढ़ाई का दबाव नहीं था। अगला प्रश्न है, फणवेश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग चित्र देख लीजिए। ये जो है ना फणवेश्वरनाथ रेणु है और ये नागार्जुन है। अब इनकी रचनाओं को देखिए। फणवेश्वरनाथ रेणु की आंचलिक रचनाएं पंचलाइट और संवेदिया और नागार्जुन की बलचनामा और उग्रतारा पठनीय है। और आखिरी में एक MCQ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? पहला ऑप्शन है इसमें गाड़ी, दूसरा है हल, तीसरा है मोट और चौथा है लकड़ी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।